हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर इसके बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये क्या होता है, उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो ये टूल्स दिए हुए हैं, आगे की वीडियोस में इन टूल्स को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिख करके रखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। रुकिए, मैं आपको ब्लॉग पोस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से जाके देख लीजिएगा। मैं केवल आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, क्योंकि जो मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते आ रहे हैं उनको तो आइडिया है कि ये वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर क्या होता है। मैं आपको केवल शॉर्ट फॉर्म में यह बता देता हूँ। तो दोस्तों, किसी भी वेबसाइट में या किसी भी वेब एप्लीकेशन में जो वीकनेस होती है, उसी वीकनेस को हम वल्नरेबिलिटीज़ बोलते हैं। अब ये वल्नरेबिलिटीज़ उसके थीम में हो सकती है, उसके डायरेक्टरीज में हो सकती है, उसके अकाउंट में हो सकती है, यानी दोस्तों कहीं पे भी हो सकती है उसके वेबसाइट में। तो दोस्तों, इन सब वीकनेस को हम बहुत सारे टूल्स की मदद से फाइंड करते हैं। आप काली लिनक्स में यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे ये टूल दिए हुए हैं। तो इन टूल्स का यूज़ करके हम किसी भी वेब एप्लीकेशन में या वेबसाइट के अंदर उसकी वीकनेस को फाइंड करते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं। अब कौन सा टूल किस केस में यूज़ होगा, हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी वेबसाइट में किस किस टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, अब इसके बारे में और चीज़ें जाएंगे। मैं आपको वल्नरेबिलिटीज़ बता सकता हूँ कि किसी भी वेबसाइट में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी पाई जाती है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट वल्नरेबिलिटी है किसी भी वेबसाइट में, वो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसको XSS इससे भी डिनोट किया जाता है। अगर आपको कहीं भी स्कैनिंग के दौरान ये XSS दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है। इस वल्नरेबिलिटी में होता क्या है कि अगर ये वल्नरेबिलिटी किसी भी वेबसाइट में है तो आप उसके अंदर कोई भी मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर अनऑथराइज्ड क्या एक्शन ले सकते हैं, उसकी एक्सेस वगैरह ले सकते हैं उस वेबसाइट की। तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है किसी भी वेबसाइट के लिए अगर उसके अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये वाली वल्नरेबिलिटीज़ है, क्योंकि आप कोई भी अपना जो कस्टमाइजेबल स्क्रिप्ट होगा सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करके उसका एक्सेस ले लीजिए। दूसरा दोस्तों है SQL इंजेक्शन। दोस्तों, ये वाली अगर वल्नरेबिलिटी किसी भी वेबसाइट में है तो हम उसके डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। यानी उस डाटाबेस क्या होता है दोस्तों, किसी भी वेबसाइट की जो भी फाइल होती है, रिसोर्सेस होती हैं, जैसे ऑडियो वीडियो फ़ोटोज़, तो वो उसके डाटाबेस में स्टोर रहती हैं। अगर किसी भी वेबसाइट में SQL वाली वल्नरेबिलिटी है तो उसके डाटाबेस को काफ़ी इजीली एक्सेस किया जा सकता है, उसके सारे रिसोर्सेज को हम काफ़ी इजीली देख सकते हैं और पूरी पूरी वेबसाइट का भी एक्सेस ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है किसी भी वेबसाइट के लिए अगर उसके अंदर SQL इंजेक्शन वाली वल्नरेबिलिटी है। तीसरा दोस्तों है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर एक्सेसी। अगर दोस्तों ये वाली वल्नरेबिलिटी किसी वेबसाइट में पाई जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है ये ले सकते हैं, परचेस वगैरह फ्री में कर सकते हैं और भी उसके अंदर मैलिशियस एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आपको ये वाली क्रॉस साइट स्क्रिप्ट ये वाली अगर वल्नरेबिलिटी किसी वेबसाइट में या किसी भी वेब एप्लीकेशन में मिलती है। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे यहाँ पे देखिए वल्नरेबिलिटीज़ है वेबसाइट के, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। मैं केवल इसको दो तीन आपके बारे में बता दिया हूँ, नीचे वाले का भी और इसी तरह काम है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर जो ये टूल्स दिए हुए हैं इनको कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर ये वाला वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जो इंट्रोडक्शन इस वीडियो में चाहिए था वो लगभग मैंने दे दिया। फिर भी दोस्तों, अगर आपको कुछ इस टॉपिक पे और चाहिए होगा तो आप कमेंट के द्वारा पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में इसका जवाब दे दूँगा। दोस्तों, मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।